आप लोगों की जो यहाँ पर रुचि वास्तुशास्त्र में देखा, बहुत खुशी हुई। आज हम यहाँ पर जो बात करेंगे, ये वास्तु में यानी घर में वास्तु का उपयोग तो अलग अलग प्रकार से हो ही रहा है, जैसे हम यहाँ ऑडिटोरियम में या हॉल में बैठे हुए हैं, आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, हर जगह वास्तु की उपयोगिता है। लेकिन आज मूल रूप से हम घर और फिर बात थोड़े से आपके कार्यालय के बारे में बात करें। शास्त्र कहता है, सम्राट सूत्रधार महाराजा भोज ने 11वीं शताब्दी में लिखा है, मयमतम, ये सारे ग्रंथ हैं जिसमें पूरे नगर की बात कही गई है, पूरी बिल्डिंग की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर हम पूरी बिल्डिंग की बात न करते, सिर्फ घर की बात करें। सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम घर के दरवाजे में पहुंचते हैं तो घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने, यानी हमारे घर के बाहर, दरवाजे के बिल्कुल सामने, जब हम अंदर से बाहर की तरफ हों, ऐसी दिशा में दरवाजे के सामने कई बातें हो सकती हैं। जैसे हो सकती है कि बिल्डिंग की सीढ़ियां, जो मकान में आप रहते हो, उस मकान की सीढ़ियां नीचे जाती हुई हों, हो सकता है वो मकान की सीढ़ियां ऊपर जाती हुई हों, बिल्कुल आपके दरवाजे के सामने, है ना। कभी तो बहुत सारे लोग कहते हैं सीढ़ियां नीचे जाती हुई होंगी तो अच्छा है, ऊपर जाती हुई अच्छा है, बड़ा कन्फ्यूजन है। फिर दूसरा बात आता है कि आधी नीचे जाती हुई हो, आधी ऊपर जाती हुई हो, यानी बीच वाली रेलिंग जो है वो बिल्कुल आपके घर के दरवाजे के सामने मध्य में। कभी कभी ऐसा होता है कि लिफ्ट के बिल्कुल सामने आपका घर का दरवाजा होता है, या ऐसा होता है कि आधा लिफ्ट होता है आधा नहीं होता है, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की कुछ बात होती है। या तीसरी अवस्था या चौथी अवस्था ये कही जाएगी कि बिल्कुल दरवाजे के सामने एक लॉबी होती है और सामने दूसरे का फ्लैट का दरवाजा होता है, क्लियर। अब आप अपने अपने घर को विजुलाइज करें, अगर आपके घर के दरवाजे के सामने सीधे सीधे पैसेज है, लॉबी है, जिसके अंदर दूसरे घर का दरवाजा है, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, दरवाजा चाहे जिस दिशा में हो ये बात की बात है। द्वार के आगे द्वार वेद होना या द्वार वेद नहीं होना, ये एक शब्द आया है कि द्वार वेद होने से अक्सर देखा गया है कि एनर्जी फ्लो लो हो जाता है। जैसे अगर मैं इस पैसेज से निकलना चाहूं और पैसेज में 10 लोग खड़े हों तो मैं उनसे अवरुद्ध हो जाऊंगा, मैं उनसे रोक दिया जाऊंगा। इसी प्रकार अगर दरवाजे के सामने कोई भी कोना, तंबा या ऊपर जाती हुई सीढ़ियां हो तो ये द्वार वेद अपने आप में हो गया। जब भी द्वार वेद हुआ ये ऊर्जा को रोकने का कार्य करेगा। अपने घर के दरवाजे के सामने अगर कोई भी द्वार वेद है तो प्रथम तो ये घर लेना नहीं चाहिए, लेकिन यदि ले लिया तो क्या करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो ऊर्जा की बात की, ऐसा मान लेते हैं कि ये दिशा उत्तर की दिशा है जिसमें खूब खिड़कियां हैं और ये दिशा दक्षिण की दिशा है जिसमें कोई खिड़की नहीं है, तो ऊर्जा यहाँ से आ सकती है और यहाँ से आगे जाने में अगर खिड़कियां नहीं है तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, ऊर्जा यही स्थिर हो जाएगी और ये हमारे काम की होगी। अगर किसी भी तरह से यहां से प्रकाश रूपी ऊर्जा, ऊर्जा के प्रवाह के कई प्रकार हैं, जैसे हमने सुना होगा लाइट, साउंड, वेव्स एंड वाइब्रेशन, यानी प्रकाश, तरंग, स्पंदन, ध्वनि, जब भी इस तरह की ऊर्जा का अवरोध हो आप ऊर्जा को आर्टिफिशियली वहां जनरेट करें, पैदा करें। अगर नहीं है चिंता की बात नहीं है, शास्त्रों में ऐसे भी उदाहरण दिए हैं। जैसे आपने महाभारत का सीन देखा होगा तो उसमें एक कल्पना ऐसी आई थी कि एक घर बनाया गया था जिसके अंदर जहां खिड़कियां नहीं है वहां खिड़कियां दिखाई देती थी, जहां पानी नहीं है वहां पानी दिखाई देता था, जहां पानी है वहां भूमि होती थी, इस तरह का वातावरण तैयार कर दिया गया था, ऊर्जा को वहां परिवर्तित कर दिया गया, चिति में भ्रम पैदा किया गया था।
यही चीज समझने की, मया मतलब मानसारा अपराजित परीक्षा अनुशाल्य चंद्रिका, सभी ग्रंथों ने रत्नों और धातुओं की स्थापना कर ऊर्जा को बढ़ाने की बात कही। जैसे यहाँ प्रकाश कम है तो यहाँ पे एक लाइट लगा सकते हैं, यहाँ आवाज हमारी वहां नहीं जा सकती, हम माइक लगा सकते हैं। तो हम जो भी चीजों को चाहे वहां बढ़ा सकते हैं ऊर्जा को। एक है नैसर्गिक रूप से बढ़ी हुई, दूसरी है प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से हम वहां पर ऊर्जा को बढ़ाए। अगर किसी भी प्रकार का द्वार पर वेद है तो शास्त्र ये कहता है कि वहां पर शुभ चिन्हों की स्थापना करें। शुभ चिन्ह अपने अपने संप्रदाय के, अपनी अपनी परंपरा के शुभ हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो दरवाजे की उमरा पट्टी यानी चौखट होती है उसमें पंच रत्नों की स्थापना करें। बहुत से लोग आपको ऐसा सुनने में आएगा, गणेश जी का चित्र लगाएं तो उल्टा लगाएं कि सीधा लगाएं, हनुमान जी का लगाएं कि किसका लगाएं, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग भेद आपको सुनने में आएंगे। यहाँ पर महाराजा भोज ने स्पष्ट रूप से कहा है अपने शुभ चिन्हों की स्थापना करें। जो भी आपका शुभ चिन्ह हो, जो भी आपके सिस्टम, आपकी परंपरा के आधार पर ऑस्पिशियस संबल कहा गया है, अलोंग विद द जेमस्टोन, पंच रत्नों के साथ जमीन के अंदर या बाहर स्थापित करें दरवाजे के पास। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो रेमेडीज के हिसाब से कही गई है। अगर इस प्रकार का कोई भी है, यहाँ पर एक विषय और समझना चाहिए।